वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीएम मोदी ने डीआरडीओ के वैज्ञानिकों को बधाई दी, कहा मेक इन इंडिया की बड़ी कामयाबी। पीएम मोदी ने कहा आज हर भारतीय के लिए गर्व का दिन, भारत ने दुनिया को दिखा दिया कि हम भी किसी से कम नहीं। मिशन शक्ति से चीन और पाकिस्तान भी घबराए, चीन ने कहा अंतरिक्ष में सभी देश शांति बनाए रखें, पाकिस्तान ने अंतरिक्ष में हथियारों की दौड़ ना हो। डीआरडीओ के मिशन शक्ति के खिलाफ भी शुरू हुई राजनीति, राहुल गांधी ने वैज्ञानिकों को बधाई दी, पीएम पर किया कटाक्ष, कहा वर्ल्ड थिएटर डे की मुबारकबाद। कांग्रेस सहित विपक्ष ने उठाए मिशन शक्ति के ऐलान की टाइमिंग पर सवाल, चुनावी फायदा लेने के लिए पीएम ने खुद किया ऐलान, सीपीएम ने की चुनाव आयोग से शिकायत। चुनाव आयोग मांग सकता है मिशन शक्ति पर पीएम मोदी के संबोधन की पूरी कॉपी, चुनाव आयोग की बैठक में पीएम के संबोधन का किया गया विश्लेषण। डीआरडीओ के पूर्व चीफ वीके सारस्वत का बड़ा खुलासा, कहा यूपीए सरकार ने नहीं दी थी एंटी सैटेलाइट मिसाइल बनाने की मंजूरी। पूर्व इसरो चीफ जी माधवन का भी खुलासा, 2007 में ही भारत के पास थी एंटी सैटेलाइट मिसाइल तकनीक, लेकिन नहीं थी राजनीतिक इच्छा शक्ति। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने मिशन शक्ति की टाइमिंग पर उठाए सवाल, वैज्ञानिकों को बधाई दी, साथ ही कहा सरकार चुनाव में फायदा उठाना चाहती है। मिशन शक्ति पर सवाल उठाने वाले विपक्ष को वित्त मंत्री अरुण जेटली का जवाब, मिशन शक्ति की कामयाबी का बीजेपी से नहीं भारत सरकार से लेना देना है। जेटली ने कहा बालाकोट एयर स्ट्राइक पर सवाल उठाने वाले विपक्ष के पास आज अपनी गलती सुधारने का मौका था, लेकिन विपक्ष वैज्ञानिकों की उपलब्धि पर भी राजनीति कर रहा है। जेटली ने कहा विपक्ष के नेताओं के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा अहम नहीं, उन्हें लग रहा है कि ऐसे गोपनीय मिशन को राजनीतिक दलों से पूछकर अंजाम दिया जाता। वित्त मंत्री ने साफ किया वैज्ञानिकों की उपलब्धि को राजनीतिक मुद्दा नहीं बनाया जाए, अगर चुनाव नहीं होता तो भी ये परीक्षण जरूर किया जाता। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने प्रधानमंत्री मोदी और डीआरडीओ के वैज्ञानिकों को मिशन शक्ति के लिए बधाई दी, गडकरी ने कहा विश्व भारत की अंतरिक्ष शक्ति जान गया है। गिरिराज सिंह बोले अंतरिक्ष में भारत ने अपना पराक्रम दिखाया, अब दुश्मन देश अंतरिक्ष से भी भारत पर बुरी नजर नहीं डाल पाएंगे। रविशंकर प्रसाद ने कहा मिशन शक्ति की सफलता पड़ोसी देशों के लिए संदेश है, रविशंकर ने आज के दिन को ऐतिहासिक दिन बताया। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह का राहुल गांधी पर हमला, कहा अंतरिक्ष में कामयाबी से पृथ्वी के कुछ लोगों को चोट लगी। अमेठी दौरे पर प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा अगर पार्टी कहेगी तो चुनाव लड़ने को तैयार। अयोध्या में रामलला के दर्शन पर बोली प्रियंका अभी कार्यक्रम देखा नहीं, जहां तक राहुल गांधी गए थे वहां तक जरूर जाएंगी। बीजेपी के मैं भी चौकीदार मुहिम पर चुनाव आयोग ने भेजा पार्टी को नोटिस, 3 दिन में मांगा जवाब, वीडियो में सेना के जवानों को दिखाने पर आपत्ति। तृणमूल कांग्रेस ने घोषणा पत्र जारी किया, ममता बनर्जी सहित कई टीएमसी नेता मौजूद रहे। सीट बदलने से नाराज केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह से अमित शाह ने की बात, ट्वीट कर लिखा बेगूसराय से ही चुनाव लड़ेंगे गिरिराज, संगठन उनकी सभी समस्याओं का हल निकालेगा। एक्ट्रेस उर्मिला मातोंडकर कांग्रेस में शामिल हुई, कहा कांग्रेस की विचारधारा ने प्रभावित किया। भोजपुरी कलाकार निरहुआ बीजेपी में शामिल, लखनऊ में प्रदेश अध्यक्ष महेंद्रनाथ पांडे की मौजूदगी में थामा कमल। बीजेपी सांसद अंशुल वर्मा समाजवादी पार्टी में शामिल हुए, टिकट नहीं मिलने से नाराज। हरदोई से बीजेपी सांसद अंशुल वर्मा ने इस्तीफा दिया, पार्टी कार्यालय में तैनात चौकीदार को इस्तीफा दिया। आम आदमी पार्टी ने 15 स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की, स्टार प्रचारकों की लिस्ट में कुमार विश्वास का नाम नहीं। बीजेपी के उम्मीदवारों की एक और लिस्ट जारी, गुजरात में 3 सांसदों के टिकट कटे। सीपीआईएम ने बिहार, राजस्थान और पश्चिम बंगाल के 5 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया, अब तक 71 सीटों का ऐलान कर चुकी है। गोवा के डिप्टी सीएम सुदीन धवालीकर को पद से हटाया गया, सीएम प्रमोद सावंत ने हटाने की सिफारिश की थी। बीजेपी नेता राम माधव का पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस पर हमला, कहा घाटी के क्षेत्रीय दल लोगों को भड़का रहे हैं और पाकिस्तान जिंदाबाद कहते हैं। बीजेपी ने जम्मू कश्मीर में जल्द विधानसभा चुनाव कराने की मांग की, राम माधव ने कश्मीर के लोग चुनाव में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की अपील की। राम मंदिर के बहाने फारूक अब्दुल्ला का बीजेपी पर हमला, कहा चुनाव आने से पहले राम मंदिर बनाने का शोर था, अब सिर्फ पड़ोसी पर हमले की बात होती है। जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान की ओर से फिर सीज फायर का उल्लंघन, पुंछ के मनकोट में पाकिस्तान की ओर से फायरिंग का मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं सुरक्षा बल। बीजेपी नेता रमेश पोखरियाल निशंक का हरीश रावत पर बड़ा बयान, कहा मैदान छोड़कर भाग गए हरीश रावत, इस बार हरिद्वार में हरीश रावत से करना चाहता था मुकाबला। यूपी शराब कांड में एसआईटी की जांच पूरी, सूत्रों के हवाले से खबर, अवैध शराब के धंधे से जुड़े कई लोगों के नाम रिपोर्ट में शामिल, रिपोर्ट के मुताबिक इथाइल की बजाय मिथाइल मिलाने से जहरीली हो गई थी शराब।
ग्रेटर नोएडा में नाबालिग छात्रा से अपहरण के बाद दरिंदगी की वारदात। पीड़ित के ही स्कूल में पढ़ने वाले चार छात्रों पर गैंगरेप का आरोप। एक घर में बंद कर हुए फरार। लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन का कट सकता है टिकट। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह ने दिए संकेत। कहा, ताई हमारी सीनियर नेता, जो भी फैसला होगा उनकी सहमति से होगा। एमपी में टिकट न मिलने से नाराज बीजेपी नेताओं के तेज हुए बगावती सुर। पूर्व विधायक आरडी प्रजापति ने खोला केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र खटीक के खिलाफ मोर्चा। एमपी में बीजेपी ने अब तक नहीं किया सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान। नेताओं की दावेदारी जारी। बीजेपी दफ्तर पहुंचे कई नेता, समर्थकों की जमकर नारेबाजी। मध्य प्रदेश के सतना में प्रशासन ने हटाया शमशान घाट की जमीन से अतिक्रमण। 300 से ज्यादा पुलिस जवान रहे तैनात। बिरसिंहपुर में लोगों की नाराजगी को लेकर लगाई गई धारा 144। बीजेपी के मैं भी चौकीदार कैंपेन से जुड़ी होशंगाबाद की बुजुर्ग महिला। मैं भी चौकीदार बोलते हुए महिला का वीडियो पोते ने किया ट्वीट। पीएम मोदी ने किया रीट्वीट। छत्तीसगढ़ में पहले दो चरणों के लिए पीएम मोदी के दौरे तय। 6 अप्रैल को कांकेर और 16 अप्रैल को बिलासपुर में होगी सियासी सभा। प्रदेश के सीनियर नेताओं को मिला कार्यकर्ताओं को एकजुट करने का जिम्मा। 29 सीटों पर जीत के दावे करने वाली बीजेपी को अभी भी मजबूत चेहरों की तलाश। छिंदवाड़ा, गुना और विदिशा में प्रदेश संगठन के पैनल से केंद्रीय आलाकमान नाराज। भोपाल सीट पर संघ ने बीजेपी को दी गंभीर रहने की सलाह। बिहार के मुजफ्फरपुर में पुलिस वाले की ऑटो चालकों ने सरेआम की पिटाई। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो। ऑटो चालक को सड़क से हटा रहा था पीड़ित पुलिसकर्मी। जम्मू के डोडा जिले में भद्रवाह के एक घर में लगी भीषण आग। आग से जलकर लाखों का सामान खाक। आचार संहिता लागू होने से 25 मार्च तक देश भर में करीब 540 करोड़ रुपए के सामान जब्त। पंजाब में करीब 93 करोड़, चंडीगढ़ में 5.5 लाख तो हिमाचल से 83 लाख की शराब और नशीले पदार्थ जब्त। INLD छोड़ JGP में शामिल चार विधायकों को विधानसभा से जारी हुआ नोटिस। नैना चौटाला, राजदीप फोगाट, अनूप धानक और पृथ्वी नंबरदार को 7 दिन में देना है जवाब। क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी ने आम्रपाली बिल्डर्स के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दायर की याचिका। 39 करोड़ रुपए की वसूली के लिए दी अर्जी। कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर रहने के दौरान कंपनी ने नहीं किया था भुगतान। सिखों के पवित्र गुरुधाम हेमकुंड साहिब की पहली झलक। दरबार साहिब में 8 फीट तक बर्फ जमी। ईरान की राजधानी तेहरान में बाढ़ से हाल बेहाल। अब तक 23 लोगों की मौत, 200 लोग घायल। बाढ़ प्रभावित हजारों लोगों को विस्थापित किया गया। नदियों के पास कई गांवों को खाली कराया गया। हजारों लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया। पेरू में चर्च की दीवार गिरी हादसे में कम से कम 9 लोगों की मौत, कई लोग घायल। पेरू में बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात, घरों में घुसा पानी, बच्चों को